भागता को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद विपक्ष के कुछ नेताओं ने की थी, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। अब फिर थर्ड फ्रंट बनाने की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के नेता शरद यादव ने थर्ड फ्रंट बनाने के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि देश भर में गोलबंदी का प्रयास किया जाता है, लेकिन सफल नहीं हुआ। कई मुद्दे थे जिस पर एक साथ नहीं हो पाए। देश अंधेरे में चलाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर अब हालात बने हैं, उनका साथ मिलकर मुकाबला करना ही होगा। आज धर्म और राजनीति को मिलाया जा रहा है, उन्हें मौका मिल गया। संविधान का उल्लंघन हो रहा है। बेरोजगार, धंधा, कानून और महंगाई से निपटने के लिए संविधान है। अरे देश की गोलबंदी का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो पाया। और मुद्दे भी जो है एक साथ, एक यानी समबोध और समलक्ष्य के साथ हो नहीं पाया और देश अंधेरे में चला गया। विधानसभा